ओशो दा प्रवचन। प्रश्न है, साधना विच ध्यान किसदा करना है? आम तौर ते ध्यान दे संबंध विच जो भी विचार प्रचलित हन, उस च असीं ध्यान नूं किसे दा ध्यान दे रूप च ख्याल करदे हां। किसे दा ध्यान करांगे, इस लई सुभावक इह सवाल उठदा है कि ध्यान किसदा, प्रार्थना किसदी, आराधना किसदी, प्रेम किस नाल। मैं सवेरे तुहानू एक गल आखी, एक प्रेम है जिस च असीं पुछदे हां प्रेम किस नाल, एक प्रेम है जिस च असीं इह पुछदे हां प्रेम मेरे अंदर है जां नहीं, किसे नाल कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैं कहा प्रेम दियां दो हालतां हन, एक लव एज रिलेशनशिप, प्रेम एक संबंध दी तरह, ते एक प्रेम एज अ स्टेट ऑफ माइंड, प्रेम मन की हालत की तरह। पहले प्रेम च असीं पुछते हैं किस नाल। जेकर मैं तुहानूं कहां कि मैं प्रेम करदा हाँ, तुसीं पुछोगे किस नाल, ते जे मैं कहां इहदा कोई सवाल नहीं है, मैं बस प्रेम करदा, तो तुहानूं दिक्कत होएगी। पर दूजी गल ही समझण दी है, उही आदमी प्रेम करता है जो बस प्रेम करता है, तो किसका कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जो आदमी किसे नाल प्रेम करता है वो बाकियां नाल की करता है, वो बाकियां दे प्रति घिरना नाल भरिया होएगा। जो आदमी किसे दा ध्यान करता है वो बाकियां दे प्रति की करेगा, बाकियां दे प्रति मूर्छा नाल घिरया होएगा। असीं जिस ध्यान की गल कर रहे हैं वो किसे दा ध्यान नहीं है, वो ध्यान की एक हालत है। हालत का मतलब यह है, ध्यान का मतलब किसी नूं चेते च नहीं लियाना, ध्यान का मतलब जो सब साडे चेते च हन उन्हां नूं गिरा देना है, एक हालत लियानी है कि सिर्फ चेतना मात्र रह जाए, सिर्फ कॉन्शियसनैस मात्र रह जाए, सिर्फ अवेयरनैस मात्र रह जाए। इत्थे असीं एक दीवा जगाइए, इतों सारिया चीज़ा हटा दिए, तद भी दीवा रोशनी करता रहेगा। उवें जेकर असी चित तो सारे ऑब्जेक्ट हटा दिए तां की होएगा, चेतना कल्ली रह जाएगी। चेतना दी ओ इकल्ली हालत ध्यान है। ध्यान किसे दा नहीं करना हुंदा, ध्यान एक हालत है। जब चेतना इकल्ली रह जाती है, जब चेतना इकल्ली रह जाए, तो उस चेतना के सामने कोई विशा कोई ऑब्जेक्ट ना होवे, उस हालत का नाम ध्यान है। मैं ध्यान का उस अर्थ विच प्रयोग कर रहा, जो असी प्रयोग करते हैं वो ठीक अर्थां च ध्यान नहीं, धारना है। ध्यान तो उपलब्ध होएगा जो असी प्रयोग कर रहे हैं उस नाल, समझ लो। रात नूं असी प्रयोग किया चक्रां उत्ते, सवेरे असी प्रयोग करते हैं साह उत्ते, यह सब धारना है, यह ध्यान नहीं है। इस धारणा के माध्यम नाल एक घड़ी आएगी कि साह भी लोप हो जाएगा, इस धारणा के माध्यम नाल एक घड़ी आएगी कि शरीर भी लोप हो जाएगा, विचार भी लोप हो जाएंगे, सब जद सब लोप हो जाएगा तो की बाकी रहेगा, जो बाकी रहेगा उसका नाम ध्यान है। धारणा किसी की होंदी है, ध्यान किसी का नहीं होंदा। सो असी धारणा कर रहे हैं, चक्रां दी कर रहे हैं, साह दी कर रहे हैं। तुसीं पुछोगे कि बेहतर ना होए कि असी ईश्वर की धारणा करिए, बेहतर ना होए कि असी किसी मूर्ति की धारणा करिए। वो खतरनाक है, वो खतरनाक इसलिए है कि मूर्ति की धारणा करन नाल वो हालत नहीं आएगी जिसनों मैं ध्यान कह रहा। मूर्ति की धारणा करन नाल मूर्ति ही आउंदी रहेगी, ते जिन्नी मूर्ति की धारणा घनी हुंदी जाएगी उन्नी मूर्ति वध आउण लगेगी। रामकृष्ण नूं अजिहा होया सी, उह काली दे उपर ध्यान करदे सी, धारणा करदे सी, फिर हौली हौली उहनां नूं अजिहा होया कि काली दा उहनां नूं साख्यात होण लग्या अंतश विच, अखां बंद करके मूर्ति सुरजीत हो जांदी। उह बड़े रस मुग्ध हो गए, बड़े आनंद च रहिण लगे। फिर उत्थे इक सन्यासी दा आउणा होया, उस सन्यासी ने कहा कि तू ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ कल्पना है, ये सब इमेजिनेशन है, ये परमात्मा का साक्षात नहीं है। रामकृष्ण ने कहा परमात्मा का साक्षात नहीं है,
मैनू साख्यात हुंदा काली दा। उस सन्यासी ने कहा काली दा साख्यात परमात्मा दा नहीं है। किसी नूं काली दा हुंदा, किसी नूं क्राइस्ट दा हुंदा, किसी नूं कृष्ण दा हुंदा, यह सब मन दियां ही कल्पनावां हन। परमात्मा दे साख्यात दा कोई रूप नहीं है, तो परमात्मा दा कोई चेहरा नहीं है, परमात्मा दा कोई ढंग नहीं है, तो कोई आकार नहीं है। जिस छिन चेतना निराकार च पहुँचती है, उस छिनों परमात्मा च पहुँचती है। परमात्मा दा साख्यात नहीं हुंदा, परमात्मा नाल मिल जाना हुंदा है। आमो सामने कोई खड़ा नहीं हुंदा कि इस पासे तुसी खड़े हो, उस पासे परमात्मा खड़े है। एक घड़ी आउंदी है, तुसी लीन हो जांदे हो समग्र सत्ता दे विच। जिवें बूंद सागर च डिग जाए, उस घड़ी च जो अनुभव हुंदा है, वह अनुभव परमात्मा दा है। परमात्मा दा साख्यात जां दर्शन नहीं हुंदा, परमात्मा दे मिलन दा एक अहसास हुंदा है। जिवें बूंद नूं सागर च डिगदे वक्त जेकर होवे तां होएगा। उस सन्यासी ने कहा यह तां भुल है, यह तां कल्पना है। तो उन्हें रामाकृष्णा नूं कहा कि अपने अंदर जिस तरह इस मूर्ति नूं तुसीं खड़ा कीता है, उस तरह इहदे टोटे कर दिओ। एक कल्पना की तलवार चुको तो मूर्ति दे दो टोटे कर दिओ। रामाकृष्ण बोले तलवार उत्थे तलवार किवें उठावांगा। उस सन्यासी ने कहा जिस तरह मूर्ति नूं बनाया है वह भी एक धारना है, तलवार की भी धारना करो तो तोड़ दिओ। कल्पना नाल कल्पना खंडित हो जाए, जब मूर्ति डिग जाएगी होर कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। जगत तो लोप हो गया है, हुण एक मूर्ति रह गई है, उन्हूं भी तोड़ दिओ। जब थां खाली रह जाएगी तद परमात्मा का साख्यात होएगा। उन्हें कहा जिन्हों तुसीं परमात्मा समझे हो वह परमात्मा नहीं है। परमात्मा नूं पाण विच लास्ट हिंड्रेंस आखिरी रुकावट है, उन्हूं होर डेग दिओ। रामाकृष्ण कृष्ण नूं बड़ा कठिन जापिया, जिस नूं इन्ने प्रेम नाल सवारिया, जिस मूर्ति नूं सालां बद्धी साध्या, जिहड़ी मूर्ति बड़ी मुश्किल नाल सुरजीत मालूम होण लगी, उन्हूं तोड़ना। वह बार बार अखां मीटदे ते वापस परत आउंदे ते कहिंदे कि कुकर्म मैथों नहीं हो सकेगा। उस सन्यासी ने कहा परमात्मा नाल तेरा प्रेम कुछ घट है, एक मूर्ति नूं तू परमात्मा दी खातर हटाउण लई राजी नहीं है। उन्हें कहा परमात्मा नाल तेरा प्रेम कुछ घट है, एक मूर्ति नूं तू परमात्मा दी खातर किवें नहीं हटा सकता। साडा भी परमात्मा नाल प्रेम बहुत घट है, असीं भी विचाले मूर्तियां फड़ियां होईयां हन, संपर्दा फड़े हुए हन, ग्रंथ फड़े हन, कोई उन्हां नूं हटाउण लई राजी नहीं है। उसने कहा तू बैठ ध्यान च ते मैं तेरे मत्थे नूं कच नाल कट देंगा, ते जब तेनू अंदर लगे कि मैं तेरे मत्थे नूं कच नाल कट रहा, एक हिम्मत करी दो टोटे कर दें। रामाकृष्णन हिम्मत की, ते जब उन्हां दी हिम्मत पूरी हुई उन्होंने मूर्ति दे दो टोटे कर दिते। परत के उन्होंने कहा अज पहली बार समाधि की उपलब्धि हुई, अज पहली बार जाणिया कि सच की है, अज पहली बार कल्पना तो मुक्त हुए ते सच विच दाखल हुए। इसलिए मैं कोई कल्पना करन नूं नहीं कह रहा, कल्पना दा मतलब यह है कि अजिही कल्पना करन नूं नहीं कह रहा जो कि रुकावट हो जाए। ते जो थोड़ियां जिहियां गल्लां मैं आखियां हन, जिवें चक्करां दियां, जिवें साह दियां, इन्हां तों कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि इन्हां तों कोई प्रेम पैदा नहीं हुंदा, ते इन्हां नाल कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ बनावटी उपा हन, जिन्हां दी मार्फत अंदर प्रवेश हो जाएगा ते रुकावटां नहीं हो सकते। मैं सिर्फ उन्हां कल्पनावां दे प्रयोग की गल कर रहा जो आखिरकार ध्यान च दाखल होने च रुकावट ना बन जाए। इसलिए मैं किसी का ध्यान करन लई तुहानू नहीं कह रहा, सिर्फ ध्यान च जाण नू कह, ध्यान करन नू नहीं, ध्यान च जाण नू। किसी का ध्यान नहीं करना, अपने अंदर ध्यान च पहुँचना है। इनू जरा चेते रखोगे तो बहुत सारिया गल्लां साफ हो सकनगियां। धन्यवाद।